दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 जून 2023 मंगलवार। आज के एपिसोड में हम कॉटन यानी कपास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने हमारे सभी शो को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। विशेषकर कॉटन के शो पर जो आपकी हमें प्यार मिलता है, मैं उससे अभिभूत होता हूं। दोस्तों इस समय कॉटन बाज़ार में बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। जिस भाव पर मिले माल बेचना चाहते हैं, उस माल पर मल्टीनेशनल कंपनियां माल खरीदना नहीं चाहती। इधर बांग्लादेश जो कि कॉटन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है टेक्सटाइल के मामले में, वहां पर स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। पूरी जानकारी इस एपिसोड में हम आपको देंगे। पूरे शो को ध्यान से सुनिएगा, यदि पसंद आए तो उसको लाइक अवश्य कीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको नहीं पसंद आता है तो बिल्कुल आप जब तक आपको पसंद नहीं आए जब तक आप सब्सक्राइब मत कीजिए। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 26 जून को यानी देश के प्रमुख कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सोमवार को कॉटन की आवक 42,550 बेल्स की हुई थी, जबकि पिछले कार्य दिवस में 53,150 बेल्स की आवक थी, जो घटकर 42,550 बेल हुई है। इसमें पंजाब और हरियाणा, ऊपरी और लोअर राजस्थान में 1,050 बेल्स, गुजरात में 15,000 बेल्स और महाराष्ट्र में 15,000 बेल्स की आवक थी। मध्य प्रदेश में 1,800 और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 4,500 बेल्स की थी। तमिलनाडु में 2,200 बेल्स, कर्नाटक में 3,000 बेल्स और की कुल मिलाकर 42,550 बेल्स की आवक थी। अब जानिए आगे की रिपोर्ट। गारमेंट फेयर्स, इंटरनेशनल गारमेंट फेयर में से यह जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश में लगभग 50% स्पिनिंग फैक्ट्रियां बंद हैं, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने में उन्हें ऑर्डर प्राप्त करने वाली मिलों से किसी का भी बड़ा ऑर्डर नहीं मिल रहा है और मात्र 15 से 20 दिनों से अधिक गारमेंट का ऑर्डर नहीं है। गौरतलब है कि बांग्लादेश गारमेंट का सबसे बड़ा निर्यातक देशों में से एक है और अमेरिका, यूरोप, कनाडा सहित सभी वेस्टर्न कंट्रीज में बांग्लादेश गारमेंट का भारी निर्यात होता है। बांग्लादेश की सभी मिलें फिलहाल नुकसान में हैं, क्योंकि बांग्लादेश की मिलें हमेशा 4 से 5 महीने की जरूरत का कॉटन एडवांस में खरीदती है, जिसके कारण बांग्लादेश की मिलों के पास प्रति कैंडी जो है वो 65,000 से 70,000 की पैरिटी का रुई का स्टॉक है। और बांग्लादेश ने पूरे विश्व में रुई अभी खरीदना बंद किया हुआ है और बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा कॉटन इंपोर्टर राष्ट्र माना जाता है। गौरतलब है कि अमेरिका, यूरोप सहित सभी देशों में इन्फ्लेशन और महंगाई आसमान छू रही है, इसके कारण गारमेंट की डिमांड बिल्कुल लोएस्ट स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय गारमेंट इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है और वहां भारतीय गारमेंट का भी पिछले 2 महीने से लगातार एक्सपोर्ट घट रहा है। भारतीय कॉटन यार्न के एक्सपोर्टरों का व्यापार भी बड़े पैमाने में घटने के समाचार मिल रहे हैं और कुछ निर्यातकों ने एडवांस मंदी निकालकर लगभग 30 कॉम्बो यानी प्रति किलो 230 रुपए में बांग्लादेश में माल बेचा है। और यह सौदा जब हुआ था तब वहां यान का भाव प्रति किलो 250 रुपए था, जो घटाकर उन्होंने 230 बेच दिया है। फिलहाल घटकर ये 240 रुपए हुआ है। इस प्रकार कॉटन यान के भाव में अभी भी 10 से 15 रुपए की मंदी की संभावना कुछ लोग लगा रहे हैं। गवर्नमेंट यानी टेक्सटाइल के निर्यात की स्थिति कमजोर होने से रुई में तेजी की संभावना कम बताई जाती है, लेकिन भाव अधिक घटने के कारण 2 महीने में भाव बहुत अधिक गिरने की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन कपास की अराइवल शुरू होने के बाद नई और पुरानी कपास मार्केट में एक साथ आएगी, तब इसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। गौरतलब है कि रुई की आवक घटने से नीचे भाव पर बिकवाली नहीं आती, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों के हर दिन नीचे भाव देने से स्पिनिंग मिल ऊंचे भाव पर कॉटन खरीदती नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी ने महाराष्ट्र की रुई खरीदी के लिए 54,000 का भाव निकाला है और उसके सामने गुजरात की मिले 55,500 में रुई खरीदने का ऑफर दे रही हैं। और मल्टीनेशनल कंपनी के पास लगभग 12 से 13 लाख बेल्स रुई का स्टॉक होने से सीजन के
अंतिम 2 महीने में मार्केट में कोई बहुत बड़ा माहौल नहीं बन सकता है। कॉटन यार्न की डिमांड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में लगातार घटने के कारण स्पिनिंग मिलों की परेशानियां बढ़ रही हैं, जिसके चलते स्पिनिंग इंडस्ट्री एकदम मिनिमम रुई का स्टॉक रखना पसंद कर रही है, कोई भी अधिक रिस्क बढ़ाना नहीं चाहता। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिलों के ने 1 महीने से मिल बंद रखने की घोषणा की थी, जबकि साउथ इंडिया की अनेक स्पिनिंग मिलों ने रुई की खपत घटाई है। दोस्तों, यदि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार रुई का एंडिंग स्टॉक 2.60 लाख बड़ा है, जो आगे चलकर अब एक खतरा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। और यदि हम रुई की हम मोटे तौर पर देख लें, चालू वर्ष में खपत पिछले साल जो थी खपत 257 लाख बेल्स की थी, जो इस बार घटकर 220 लाख रह गई है। निर्यात पिछले साल 40 लाख बेल्स का हुआ था 1 अक्टूबर से 24 जून सन 2023 तक, और इस बार निर्यात घटकर मात्र 12 लाख बेल्स का हुआ है। कुल खपत पिछले साल 297 लाख बेल्स की हुई थी, अभी मात्र 232 लाख बेल्स की हुई है। एंडिंग स्टॉक पिछले साल 49.5 लाख बेल्स का था और इस बार 81.50 लाख बेल्स का है, यानी एंडिंग स्टॉक भी बहुत तेज रहा है। स्पिनिंग मिलों के पास स्टॉक पिछले साल 44 लाख बेल्स का था, जो इस बार बढ़कर 45 लाख बेल्स हो गया है। साथ साथ एमएनसी जीन ट्रेड जो है पिछले साल 5.50 लाख बेल्स का था, जो बढ़कर अब 36.50 लाख बेल्स का हो गया है। और ये जो बैलेंस शीट है, ये 1 अक्टूबर सन 2022 से 24 जून सन 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट है। तो दोस्तों, कॉटन के ऊपर अगला 1 से 1.5 महीना महत्वपूर्ण रह सकता है। विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।